हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, रात को सुबह से ठिए लगाते हैं यहाँ पे, काम धंधा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बहुत परेशानी है, निकलने बढ़ने वालों को बहुत परेशानी है। चुनाव का वक्त आया तो पार्षद साहब ने क्या काम करा, सीलिंग वालों को बुलाया सेटिंग करके, और उसके बाद जो है ना उनको भगा दिया, जनता में वाह-वाह हो गई। अब चुनाव का टाइम है, अब निकले हैं, कभी रोड को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके, लेकिन जीतने के बाद वो चार साल नजर नहीं आते। और यहाँ पर पता क्या होता है, रात को इसमें कि चर्ची सब बैठते हैं यहाँ पर, और ये सब करते हैं यहाँ पर, चिलमे फूकी जाती है, सब करी जाती है इसकी आड़ में। ये देखिए, ये पीजीएमएस है, ये दिल्ली गवर्नमेंट की साइट है, और इसका नंबर है 20240677551 जो ग्रीवेंस में डाली हुई है। अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई भी यहाँ पे एमसीडी का आता नहीं, और हम यहाँ पे जो निवासी है वो चाहते हैं कि ये कूड़ेदान यहाँ से हट जाए। सारा फैक्ट्री एरिया है, यहाँ के सारे जितने भी कारखाने हैं सब है, सब आके बाहर ही गेटते हैं, और यहाँ हमारी एमसीडी में गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियों में नहीं गेटते हैं, कूड़ा यहाँ पे गेटते हैं, और ये नाले हैं सब ब्लॉक पड़े हुए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं दीपक पांचाल, और आप देख सकते हैं मेरे साथ दिल्ली के हाल। इस वक्त मैं हूँ सिलमपुर विधानसभा में, और यहाँ पर आप रोड का हाल देख सकते हैं, रोड के पीछे आप कूड़े का हाल देख सकते हैं। यहाँ के स्थानियों से बात करेंगे कि ये हालात, ये समस्याएं वो कब से झेल रहे हैं। नाम बताएं बाबा अपना। बाबू, मेरा नाम साबिर भाई है। साबिर भाई, इस सड़क के हालात कैसे, कब से कब तक? बहुत टाइम से, जब से यानी कि ये रखा गया है एकदम, यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशानी है हम लोगों को। अच्छा, हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, रात को सुबह से ठिए लगाते हैं यहाँ पे, काम धंधा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बहुत परेशानी है, निकलने बढ़ने वालों को बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग। दो तीन दफ़ा हमने शिकायतें भी करी यहाँ के निगम पार्षद से, कोई सुनाई नहीं होती हमारी। तो निगम पार्षद नहीं सुनते, आप विधायक को बोलो फिर। विधायक भी नहीं सुनता। क्या कहते हैं विधायक? विधायक जी तो बात ही करने के राजी नहीं है। क्या कह देते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं हटवा देंगे, हटता हटाता है नहीं। और निगम पार्षद क्या कहते हैं? निगम पार्षद तो यहाँ का आकर देखते ही नहीं है। जुबैर अहमद। जुबैर अहमद जी। भाई जी, आप कुछ बता रहे थे, नाम बताया अपना। मोनिस नाम है भाई। मोनिस जी। मोनिस भाई, आपने रोड पे ये लगा रखा, आप इसी विधानसभा में रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने दिन से आप ये समस्या देख रहे हैं? भाई मैं तो कई 3-4 साल से देख रहा हूँ, पहले तो कम थी, अब ज़्यादा हो गई। अच्छा, हाँ। रोड की हालत, और रोड की हालत? रोड तो सही है, वैसे बनाए रहे, पर ये यहाँ से ना इन्होंने डाला कुछ भी मलवा यहाँ पर। अच्छा, क्यों नहीं डाला? पता नहीं, इसकी गंदगी की वजह से ना डाले गए। एमसीडी वाले जो कूड़ा उठाते हैं वो पूरा तरीके से सफाई नहीं करते, देखो कैसी हालत हो रही है, पूरे पूरे दिन गाड़ी चली जाती है, आती नहीं है। अभी साबिर भाई से बात कर रहा था, वो कहते हैं हमने विधायक और पार्षद दोनों को कह दिया। अरे सबसे कह दिया, कोई ना सुनता है यहाँ पर। कंप्लेंटें डाल दी, बहुत कंप्लेंटें डाली हैं इसकी। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत मच्छर लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है ये कूड़े से यहाँ जी, और बहुत गंद खाना है यहाँ। तो विधायक, निगम पार्षद किसी से शिकायत तो करते होंगे आप? शिकायत तो बहुत करी है, कोई सुनता ही नहीं है। हैं, क्या कह देते हैं? सब कह देते हैं जी करा देंगे, मगर कोई सुनता ही नहीं है, पता नहीं। क्योंकि एमसीडी का काम तो पार्षद के हाथ में। जी जी, उन्हें कराना चाहिए, कराना चाहिए। और यहाँ पर पता क्या होता है, रात को इसमें कि चर्ची सब बैठते हैं यहाँ पर, और ये सब करते हैं यहाँ पर, चिलमे फूकी जाती है, सब फूरी जाती है इसकी आड़ में। जी, यहाँ पे हमारे विधायक है या पार्षद हो, कोई भी कुछ काम नहीं करते, अब थोड़ा बहुत क्या करते हैं। अब चुनाव का वक्त आया तो पार्षद साहब ने क्या काम करा, सीलिंग वालों को बुलाया सेटिंग करके, और उसके बाद जो है ना उनको भगा दिया, जनता में वाह-वाह हो गई। अब चुनाव का टाइम है, अब निकले हैं, कभी रोड को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके, लेकिन जीतने के बाद वो चार साल नज़र नहीं आते, आखिरी 6 महीने में फिर वो निकल जाते हैं जनता के बीच। चुनाव के भी काफ़ी कम टाइम रह रहे हैं, ऐसे में विधायक कितना दिख रहे हैं आप? नहीं, विधायक नज़र नहीं आते बिल्कुल भी, बिल्कुल नज़र नहीं, बिल्कुल नज़र नहीं आते, किसी भी मुद्दे पर कहीं बोलते हुए नज़र नहीं आते। यहाँ तो कोई आता ही नहीं सही निर्णय कोई देखने के लिए कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। यहाँ तो आना तो चाहिए कम से कम, कंप्लेन डालने के बाद में कोई नहीं सुनता। ये सिलमपुर वार्ड का एक बड़ा मेन चौराहा पड़ता है कल्याण, जो ये यहाँ शराब का ठेका था पहले, यहाँ ये बंद कराया गया ताकि यहाँ गंदगी हुई थी। अब ये बंद होने के बाद बावजूद भी ये कूड़ेदान यहाँ इकट्ठा हो चुका है, और ये इस कदर हो जाता है कि रोड जाम हो जाता है, रात को ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है, और कूड़ा इतने स्केल पे, मैंने हमने फोटोग्राफी कर रखी है, अगर हम चाहें तो आप इसको दिखा सकते हैं, ये मेरे फ़ोन में जूमिंग करके देख लीजिए, ये इतना बड़ा स्केल है इसका, ये देखिए आप इसको कैप्चर कर सकते हैं, ये हमने इसकी वीडियो रिकॉर्ड सब कर रखी है। यहाँ पे क्या है, ये कूड़ा इतना हो जाता है कि यहाँ पे जाम की समस्या पैदा हो जाती है। हमने विधायक से बोली है, क्या नाम है, कि ये निगम पार्षद से हमने कि भाई डस्टबिन को हटा दिए, यहाँ पे मच्छर पैदा होते हैं हमारे घरों में, पेरेंट्स निगम पार्षद से बोली है कि बीमार रहते हैं, हमने इसकी कंप्लेंट
आगे बड़े स्केल पे भी कर रखी है पर कुछ सुनवाई नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चोर इसमें है कि चरसी सब रात को होते हैं और ये कल्याण का मेन चौराहा है जहाँ से क्या नाम है विधायक की एक वो शुरुआत होती है कि हाँ भाई उनका मेन एरिया है और वो यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहे, विधायक भी फोकस नहीं कर पा रहे, यहाँ नहीं कर पा रहे। सड़क का ऐसा था, सड़क का इतना अतिक्रमण हो चुका था क्या नाम है अब उसको बनवाया गया। विधायक विधायक कौन है? विधायक यहाँ पे हमारे अब्दुल रहमान है और निगम पार्षद हमारे चौधरी जुबेर साहब है, पर हमने उनसे बोला था क्या नाम है कि करिए, उन्हें सब पता है वो इस एरिया में आते जाते हैं पर इस पे सुनवाई नहीं करते हैं, वोटिंग के लिए आते। मैं यहाँ का निवासी हूँ और यहीं रहता हूँ, मेरा घर जो है कूड़ेदान से दो मकान आगे ही है और मेरे घर में मेरे फादर हैं, मदर हैं जो सीनियर सिटीजन है और उनकी एज जो है 70+ हो चुकी है। इस कूड़े की वजह से उनको जो है डायरिया, मलेरिया और अभी भी मैं आप कहोगे तो मैं मेडिकल पेपर दिखा सकता हूँ उनको। मेरा मेरे फादर का ट्रीटमेंट चल रहा है मैक्स हॉस्पिटल में और बार बार उनको जो है इस कूड़ेदान की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उनको जो सांस लेने तकलीफ है वो इस वजह से ही हो रही है। मैंने रिटर्न में कंप्लेंट डाली हुई है, ये देखिए ये पीजीएमएस है, ये दिल्ली गवर्नमेंट की साइट है और इसका नंबर है 20240675551 जो ग्रीवेंस में डाली हुई है। अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी यहाँ पे एमसीडी का आता नहीं और हम यहाँ पे जो निवासी है वो चाहते हैं कि ये कूड़ेदान यहाँ से हट जाए। जब गाड़ियाँ एमसीडी की गली गली में आती है तो उनकी जिम्मेदारी है कि कूड़ा उठाए और किसी यहाँ पे कई लोग आते हैं दूर दूर से कूड़ा फेंकने के लिए और ये कूड़ा जो है आप कभी भी देखोगे ना ये सारा फैक्ट्री एरिया है, यहाँ के सारे जितने भी कारखाने हैं सब है सब आके बाहर ही गेटते हैं और यहाँ हमारी एमसीडी में गाड़ियाँ चलती है, गाड़ियों में नहीं गेटते हैं कूड़ा यहाँ पे गेटते हैं और ये नाले सब ब्लॉक पड़े हुए हैं। ईद के दौरान तो काफी मुश्किलात हो जाते होंगे, बहुत मुश्किलात हो जाती है, यहाँ चलने फिरने को रास्ता नहीं बचता है इस कूड़ेदान की वजह से। कोई भी त्योहार है ज्यादा परेशानी का मुकाम है, क्या है किससे निगम पार्षद जी से भी कहा, उससे भी कहा, कोई सुनने के लिए राजी नहीं। ये हालत देखिए, नाम क्या आपका? पंकज कुमार। पंकज जी ये हालात कब से ये हालात तो 3 साल से 4 साल से तो मैं देख रहा हूँ सर, 4 साल से ऐसे ही पड़ा है और कंप्लेंट भी बहुत लोगों ने सब लोगों ने सब भाई बहनों ने सब ने कंप्लेंट करी है मगर उसकी सुनवाई कुछ नहीं हो पाती है। आते हैं कह के चले, मेन फोकस ये है यहाँ से ये डस्टबिन हटाया जाए और यहाँ पे स्वच्छता रखी जाए, जिस कदर क्या है क्या नाम है यहाँ पे आवाजाही लगी रहे, कोई सी बहन बेटियों को आने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि जो जिसे इस रास्ते से जाना है वो इस रास्ते से ना होकर पल्ली साइड से जाता है। इसकी आड़ में कई लोग क्या करते हैं रात को जो है ना यहाँ पे नशे का इंजेक्शन भी लेते हैं, आपराधिक गतिविधियाँ, ये अंधेरा हो जाता है और इसकी आड़ में जो है कई लोग यहाँ पे बैठ के कूड़ा बीनते हैं और उसमें जो नशे के इंजेक्शन होते हैं वो लेते हैं, वो भी लेते हैं और लोग जो यहाँ पे लेडी से जाती है ना, लेडी से जाने को बहुत दुश्वार हो गया उनका यहाँ से निकलना। पहले यहाँ पे सब लोग गली में से आते हैं, लेडी से सब्जी लेने जाती है, आगे मार्केट भी है बट उनका निकलना बहुत दुश्वार हो गया। जी यही हमारा कहना है कि मतलब जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं इस कूड़ेदान की वजह से ही, इस कूड़ेदान को यहाँ से ख़त्म किया जाए जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी और हमारी जो माताएं और बहनें हैं वो सेफली रोड पे जा सकेंगी। और मैं कहता हूँ कि एक दो जो शॉप की थोड़ी बहुत दुकानें होती हैं खुली होती हैं इनको भी बंद करा देना चाहिए क्योंकि लोग इससे बहुत परेशान हैं। भाई इस कूड़े से बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों को, यहाँ बहुत ज़्यादा रहती है। मोहम्मद आसिम जी एक तो मुझे रोड की हालत बताए, ये रोड अभी हफ्ते भर पहले खुदा हुआ था अब ये बना हुआ है, तो ये रोड ऐसे ही बन जाता है हफ्ते भर में या फिर कई दिनों से ही ऐसा था? नहीं तो काफ़ी से ऐसे ही पड़ा है भाई। अच्छा जी, और ये इससे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को इधर से निकलना बढ़ना, बहुत ज़्यादा कूड़ेदान, बहुत ज़्यादा कूड़ेदान की वजह से सब, और मेन रोड मेन चौराहा बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पार्षद से शिकायत करते हैं क्या कहते हैं? पार्षद कई दफ़ा करी भी शिकायत लेकिन वो बस ध्यान नहीं दे रहे, ये तो भाई यहाँ रखा ही रहता है। हटवाया जाए जिससे कि हम लोग जो यहाँ के निवासी हैं वो सुकून से सांस और हवा पानी ले सके। मेन प्रॉब्लम बस यही है कि ये कूड़ेदान यहाँ से हट जाए, हट जाएगा तो हमारी सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएगी, जो बीमारियाँ फैल रही हैं वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप कहोगे तो मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया था जो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो रीज़न है प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम यही है कि कूड़ा जो है ना रात को एकदम इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पे चलना फिरना, और लोग जो फैमिली के आते भी है ना वो खुद देखते हैं कि क्या माहौल बना रखा है आपने इस तरीके का, मतलब दिल्ली जैसे शहर के अंदर इस प्रकार की गंदगी होना ये कोई अच्छी बात नहीं है, और ये कूड़ेदान जो है यहाँ से हट जाएगा तो हम कम से कम सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं लोगों में बड़ी समस्याएँ हैं, वो पार्षद हो या विधायक हो सभी अपने जनप्रतिनिधियों से कहकर थक चुके हैं, वो इस रोड के बारे में भी कह चुके हैं, वो इस जगह के बारे में भी कह चुके हैं और वो ये तक कह चुके हैं कि ये जो पीछे बड़ा कूड़ेदान है इसकी वजह से स्वास्थ्य समस्या से लेकर आपराधिक गतिविधियों तक सब कुछ घट रही है।